हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज जो है बहुत काम है भाई यार। अभी जस्ट पखांजुर में आया हूँ अपने दोस्त के शॉप पे, कार्टून कलेक्ट करने हैं दोस्त को। तो हम लोग जो है अपना कार्टून यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे और आगे जो है पोस्ट ऑफिस में भी जाने वाले। रस्सी का जो है दोस्तों इस सीज़न का सबसे बड़ा ऑर्डर आज आया हुआ है 500 पीस का। दोस्तों रस्सी भी दिखा दूंगा, रस्सी कौन सा जो हम लोग भेजने वाले। हमारा कार्टून है, इसको जो है अभी हम लोग यहाँ से सीधा घर लेके जाने वाले हैं। और ये अपना दोस्त का जो शॉप है, तो अभी जो है हम लोग शॉप पे पहुंच गए हैं। ये जो है अपना जो रस्सी है, टोटल 500 पीस का ऑर्डर है। तो ये जो एक एक बंडल है दोस्तों, ये 50 पीस का बंडल है, मिक्स कलर ऑप्शन में है। तो टोटल यहाँ पे 10 बंडल रखा गया है, मतलब 10 पूरा। और टोटल क्वांटिटी की बात करेंगे 500 पीस है यहाँ पे। अभी चलिए इस वाले कार्टून में हम लोग जो है इसे पैक कर लेंगे। যখন হবে না কিছুমা দিক্কত হবে কাজ ওয়েতে সমস্যা নেই, সমস্যা তো খালি দিয়ে तो दोस्तों अभी इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा 500 पीस का ऑर्डर है, ये मनीष जी के पास जाने वाला है जो ओडिशा के रहने वाले हैं। इनका नंबर वगैरह आप देख सकते हो, ये फ्रॉम जो है मेरा नाम, मेरा डिटेल्स वगैरह। अब इसको भी जो है हम लोग यहाँ पे चिपका देंगे। पैकिंग बहुत अच्छे से करना रहता है क्योंकि बहुत दूर जाएगा ना, तो पैकिंग खराब होगा ना तो सामान बहुत टाइम डैमेज निकलेगा या फिर डैमेज हो जाएगा। इस वजह से दोस्तों इसको बहुत अच्छे से मैं पैक करता हूँ। पैकिंग में कभी मैं कंजूसी नहीं करता। अगर आप भी मेरे से परचेस किए होंगे तो आपको भी पता है, जब आपके पास सामान पहुँचेगा तो बहुत ही आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा उसको अनबॉक्सिंग करने में, क्योंकि पैक ही बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। डबल ट्रिपल तो टेपिंग लगता है इसमें, मतलब इसमें अगर बारिश वगैरह भी गिरे तो भी जो है माल डैमेज नहीं हो सकता। इस तरह ही पैक मैं करता हूँ दोस्तों। बाकी आपको भी अगर क्वांटिटी मंगाना रहेगा आप भेजिए, फुल कॉन्फिडेंट होकर मंगा सकते हो। ज्यादातर 50-100 पीस का ही ऑर्डर आता है, 500-1000 पीस का ऑर्डर थोड़ा कम आता है, लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट ये मिलेगा, 500 पीस से ऊपर अगर आप ऑर्डर करते हो तो उसमें जो है आपको डिलीवरी चार्ज कुछ भी पे नहीं करना है, डिलीवरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो ये जो है बायर का एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला है। ये लगभग हमारा जो है पैक हो चुका है, वो थोड़ा सा पैकिंग करना और बचा है। अपने को इस साइड में भी टेपिंग करना रहेगा, मतलब जितने भी जगह है हर एक जगह पे डबल टेपिंग हो रहा है। इसी सिस्टम से दोस्तों मैं कभी भी जो सामान पैक करता हूँ इसी सिस्टम से करता हूँ। जो हरीश जी के नाम से है, इन्हें जो है बाउल में भेज रहा हूँ। बहुत फास्ट काम करना पड़ता है दोस्तों। इनका ऑर्डर आज ही आया हुआ है दोनों का, और आज ही मैं भेज रहा हूँ। तो 12:30 तक का टाइमिंग रहता है और अभी लगभग 12:20 होने का है। थोड़ा भी लेट होगा तो आज फिर पोस्ट नहीं हो पाएगा, फिर कल के लिए वेट करना पड़ेगा।
इस वजह से बहुत फास्ट काम करना पड़ता है दोस्तों, और इससे क्या होता है ना, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है। कि बहुत मेरे भाई है, पेमेंट लेने के बाद क्या है, फोन उठाना बंद कर देते या फिर अपने हिसाब से फिर वो माल डालते हैं, उसमें क्या होता है ना, ग्राहक ही खराब होता है। और कभी भी आप मेरे से अगर परचेस किए होंगे, आपको पता है जिस दिन आप पेमेंट करते हो उसका अगले दिन मैं पोस्ट कर देता हूँ, अगर उसी दिन टाइम रहता तो मैं उसी दिन ही पोस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है ये भी लगभग पैक होने का है। फीडर का काम अभी भी नया स्टार्ट हुआ है तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। नाम आप देख सकते हो, ये जो है आंध्र प्रदेश के रहने वाले, ये आंध्रा के लिए जा रहा है। अभी इसको अच्छे से ये साइड वाला लास्ट कर देते हैं। और एक प्रॉब्लम और है, पोस्ट ऑफिस का जो वेट मेजरमेंट करना रहता है 10 किलो से ज्यादा वो वेट मेजर नहीं करता, तो इस वजह से हमको यहाँ से वेट मेजर करके लेके जाना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये हो चुका है हमारा मार्कर टोको था चल है ना इधर। तो जब वेट वेट मेजर कर रहे तो दोनों को ही कर लेते हैं। ये हमारा 855 ग्राम, 855 ग्राम, हाँ ये 855 ग्राम हो गया। और ये हमारा बड़ा वाला डाग है, अब इसको देखते हैं कितना होता है। 19.234 केजी का है, तो 30 किलो से कम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अभी जो है सीधा पोस्ट ऑफिस लेके जाने वाला दोस्तों दोनों, और इसे जो है हम लोग अभी पोस्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस पहुंच। टोटल पर्चे अभी तक आना नहीं आया ना आपका रिसिप्ट वाला, ये चिपकाने में दिक्कत नहीं होता थोड़ा? अब ग्लू लगा के चिपकाते हैं। अब झिल्ली है, झिल्ली के ऊपर थोड़ा दिक्कत होता है। ये रहा हमारा पखांजूर का पोस्ट ऑफिस, बाकी हमारा जो है काम कंप्लीट हो चुका है और डेफिनेटली ये भी बहुत जल्दी जो है कस्टमर के हाथ में पहुंच जाएगा। तो आज का जो ब्लॉग है हम यहीं पे करते खत्म, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।